although it's not as much simplified as I'm saying, but from a poor grammar's point of view, you'll be given a small requirement, a small stuff to do, then you produce that working code, that one that is okay, test it, then you will go into write documentation of something which is working. क्या फर्क है यार कि पहले requirements और पहले चीजें लिखने, requirements obviously still जो है वो पहले आती हैं, होती है, लेकिन आप requirement पे design पे नहीं लिखते, बल्कि आप documentation end में उस चीज की करते हैं जो चीज working है. पहला आपका emphasis ये होता है कि आपने working software release करना है, rather आप उसकी documentation करने बैठ जाए. दूसरी चीज क्या आती है, कस्टमर कोलैबोरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन. आमतौर पे क्या होता है, और प्रेजेंटली ये प्रैक्टिस अभी भी चलती है, कि आप क्या करते हैं कि आप एक पूरा स्कोप जो है अपने स्कोप ऑफ द वर्क अपने कस्टमर के साथ कर लेते हैं. वो कहता है कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, दूसरा बंदा कहता है मैं इतने में काम नहीं करूंगा, और उसके बाद क्या होता है प्रोजेक्ट चलना शुरू होता है, वो कहता है अच्छा नहीं मुझे कर दो, दूसरा बंदा कहता है आपने तो नहीं कहा था. सो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन. एजाइल मेथोडोलॉजीज ये कहती है कि कस्टमर जो है वो थर्ड पार्टी नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ योर टीम है, और आपके और उसके कंसर्न म्यूचुअली एग्री करके आप करते हैं. अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. जैसे मैंने कहा कि हम जब छोटी चीज और छोटी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि ओके अभी हम एक लॉकिन सिस्टम जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, आप बताएं कि क्या लॉकिन सिस्टम जो है वो आप सोशल साइनेंस उसमें चाह रहे हैं, ईमेल वुड बी इनफ या कुछ और भी आप चाह रहे हैं. तो कस्टमर आपको बताता है कि हाँ मुझे सोशल साइनेंस डाल दें और साथ कैप्चा भी डाल दें. अब यहाँ पर बेसिक एम्फसाइज ये था, जो कोर थी चीज थी कि हमने लॉगिन इम्प्लीमेंट करना है. अब कस्टमर आपको ये नहीं कह सकता कि मुझे लॉगिन के साथ जो है वो बारकोड स्कैनर भी लगा दे, दैट इज अ मेजर चेंज, बट वी वर ओके विद इट कि वो लॉगिन होगा और लॉगिन में यही चीजें होती हैं. लेकिन कस्टमर ने हमें एक छोटी सी चीज और कही कि आप कैप्चा भी डाल दें, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, जहां हमने कहा हुआ था कि हम आपको ये काम चार दिन में करके देंगे, वहां हम आपको 4.5 डेज में कर देंगे. कस्टमर के साथ आपने कहा कोलैबोरेट किया, कस्टमर ने कहा अच्छा चलो चार दिन की डेडलाइन थी, मैं पांच दिन तक इसके वेट कर लेता हूँ, लेकिन मेरा फीचर डल जाएगा. लेट्स सपोज करें कि ये सारे फॉर्म्स आप बना चुके हों और एंड में 40-50 फॉर्म्स और कस्टमर के कि अब मुझे कैप्चा चाहिए हर फॉर्म के ऊपर, दैट वुड बी डिजास्टर. दैट विल टेक ऑलमोस्ट 1 in 5 मंथ्स सिर्फ कि आप 40 फॉर्म्स के ऊपर कैप्चा डालें. सो देयर इज व्हाट कम्स द कोलैबोरेशन दैट कस्टमर इज पार्ट ऑफ टीम. यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो हु वुड बी योर कस्टमर, योर कस्टमर वुड बी योर मैनेजर व्हिच इज इकरा राइट नाउ विद यू. शी वुड बी टेलिंग यू कि अच्छा कल आपसे ही कहा था ये बना दे, लेकिन बाय डिस्कशन विद द मैनेजमेंट वी हैव कम टू कॉमन कंसेंसस कि अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे. तो जिसने आपने वो स्टफ अपना लिखा था, आपने कंसल्टेशन करनी है कि इसमें कल चेंज आ सकता है. आपने मैनेजर को ये नहीं कहेंगे कि मैनेजर ये कर दिया अब मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है. सो दैट इज वेयर द टीम स्पिरिट कम्स ऑन, राइट. सो दैट वाज रेलेवेंट दैट हाउ यू आर गोइंग टू वर्क हियर एंड फर्दर एनी इंडस्ट्री आफ्टर योर इंटर्नशिप. लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज. रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज हम तब से बात ये कर रहे हैं कि हमने चेंज के साथ अपने आप को कोप करना है, एंड दैट इज द सेकंड नेम ऑफ एजाइल, दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू चेंज. अब मैं थोड़ा सा इसमें एम्फसिस करूंगा कि जो राइट साइड पे चीजें हैं दे आर नॉट टोटली डिस्कार्डेड, बट व्हाट दे टेल इज दैट दे हैव लेसर प्रायोरिटी देन द थिंग्स ऑन योर लेफ्ट हैंड. प्रोसेस विल बी देयर, ऑब्वियसली आपकी अटेंडेंस भी मार्क होती है. अभी आप टूल्स यूज कर जाएंगे, वन ऑफ द टूल्स वी आर राइट नाउ यूजिंग इज जूम, दैट इज आवर प्रोसेस कि हम जूम पे बात कर रहे हैं. यू आर यूजिंग स्लैक, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि उस स्लैक के ऊपर समथिंग वैल्यूएबल इज एक्चुअली डिलीवर्ड. देन कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट डिजायर्ड, बट definitely we want to document our work for the future references ki humne actually kiya kya hai. The only difference is that
rather producing documentation earlier, we document something which is already tangible, usable. Contract negotiation, still we would have some kind of negotiation on the pricing, on the main modules, but we would not going to be strangled within that contract. Last, following a plan, we would have some kind of a plan, but that plan would be immune or maximum immune to absorb any upcoming changes. So are you now clear that why would we use Agile? Do speak right now, क्योंकि इस सेशन में देने के बाद आपके नेक्स्ट स्टेप आपके साथ काम करेंगे. तो यू आर एक्चुअली ऑपरेटिंग इन एजाइल एनवायरनमेंट. डू आस्क मी दैट इफ समथिंग इज नॉट अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट. यस गर्ल्स एंड गाइस, ओके, एनीवन एल्स? ओके, कैन यू प्लीज गिव अस वन एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल आप लोग सारे कोट करो जहां आप सोचते हो कि रेदर देन वाटरफॉल अगर हमने एजाइल मेथडोलॉजी यूज करें तो वो ज्यादा कैपेबल होगी, ज्यादा प्रोडक्टिव होगी. एक एक एग्जाम्पल दे मुझे. जी एक एक एग्जाम्पल. हेलो जी जनाब, मैं आपकी एग्जाम्पल का वेट कर रहा हूँ. जल्दी जल्दी एक एग्जाम्पल दें. अगर कोई ऐसी लेट सपोज सॉफ्टवेयर है जो कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है, इसमें चेंज आ रही है, तो उसके लिए एजाइल बेहतर होगी. लेट सपोज आप ये लाइव स्कोर्स वाली देख लें, क्रिकेट की या फुटबॉल की जो लाइव स्कोर्स कर रही अपडेट दे रही होती है, उसमें अगर डीबी पीछे यूज हो रही है तो उसमें कंटिन्यूसली उसमें फर्क है. अब आपको बताऊं कि फर्क है. देखो जो आप वो बात कर रहे हो वो लाइव स्कोर जो आ रहे हैं ना, वो कंटीन्यूअस स्ट्रीमिंग ऑफ डेटा है, वो कंटीन्यूअस चेंज इन द सॉफ्टवेयर नहीं है. सो दैट इज नॉट. सोचिए आप कि कौन से ऐसी चीज है जो कंटीन्यूअस चेंज में आती है, जो ग्रो करती है, फिर हम इसको थोड़ा सा रिविजिट करते हैं इस चीज को. ओके जी जी, और एग्जांपल. ये जो जी दोबारा बताएं. ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह जिन्हें हमें अपडेट भेजनी होती हैं, ये एजाइल मेथडोलॉजी को अगेन देखें जो आपको अपडेट चीज भेज रही है वो फंक्शनैलिटी है, वो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है, वो चेंज नहीं लेके आ रही. दिस इज नॉट द चेंज इन द स्टेट ऑफ डेटा, इट इज चेंज इन द कोर रिक्वायरमेंट्स एंड कोर फंक्शनैलिटी. और सोचिए फिर हम देखते हैं कि और क्या चीजें इसमें हो सकती है. सोचे, यू हैव अ टाइम, डिस्कस करते हैं फिर इसको. इसमें जो सोशल मीडिया की साइट्स होती हैं उसमें कंटिन्यूस वो अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स अपडेट करते रहते हैं, डिजाइन चेंज करते रहते हैं. दैट इज वन ऑफ द वैलिड एग्जांपल ऑफ इट. और और बताएं. अच्छा इकरा, आप बताओ जरा हमें कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या ऐसे यूज केसेस हमें कोई दो तीन बताओ जिसमें हमें एजाइल जो है वो ज्यादा हेल्पफुल है रेदर देन वाटरफॉल मॉडल्स. इकरा, आर यू विद अस? हेलो जी, इकरा, आर यू विद अस? अच्छा मेरे ख्याल से इकरा जो है वो ड्रॉप कर गई है. अच्छा मुझे बताएं आप लोगों में से सीएनएस कितने लोगों ने बनवाया हुआ है? हेलो सीएनआईसी? जी सब ने कही होगी, सब ने बनाया हुआ है. ओके,
आप लोगों में से कैश एंड कैरी या शॉपिंग कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं। सभी करते हैं। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि एक कौन सी ऐसी चीज है यार जिसमें चेंज आता है? हर वो बिजनेस जो ग्रो करता है उसके सॉफ्टवेयर में भी चेंज आता है। सॉफ्टवेयर किस पे बेस करता है? रिक्वायरमेंट पे बेस करता है, और बदलते जमाने के साथ रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। बेसिक असूल है कि हर बदलते हुए जमाने के साथ आपका बिजनेस एप्लीकेशन जो है वो चेंज होती है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसमें नए फीचर्स ऐड करने के लिए। अब हम एक सिंपल सी मिसाल ले लो, द्राज आप सबने विजिट की है? यस, ठीक है, सबने की भी। अब द्राज जो है वो हर महीने अपना कोई ना कोई नया मॉड्यूल जो है वो लॉन्च करता है, कोई नई सर्विस लॉन्च करता है, तो चेंज आ रहा है ना उसके अंदर? यस, ठीक है। तो पहले वो लिस्टिंग अपनी शो करता था, उसमें पहले इतने एक्सटेंसिव पैरामीटर्स नहीं हुआ करते थे, उसके बाद आप और हजारों सॉफ्टवेयर हैं कर लो, अच्छा चलो इसमें एक और आ जाते हैं। पहले आप लोग जाते थे तो एटीएम मशीन्स में सिर्फ कार्ड यूज होता था, अब आप थंब इंप्रेशन भी आ गया है, ठीक है। अब जब थंब इंप्रेशन आया है तो इसका मतलब है वो थंब इंप्रेशन एक नया फीचर ऐड हुआ है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उन्होंने पूरा पिछला सॉफ्टवेयर उठा के स्क्रैप कर दिया, नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपको अभी तो बहुत ज्यादा आ गया है फेसबुक जो है जिससे अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज चेंज करता है, पहले वो नंबर नहीं मांगते थे, अब वो नंबर भी मांगते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। और फेसबुक पे आप देखो अभी रिसेंटली उन्होंने जो है रूम्स बनाए हैं, यस, तो वो बेसिकली वो चेंज आ रहा है। अच्छा, अब क्या है एग्जिस्टिंग फीचर भी वो चेंज कर रहे हैं, उनकी स्किन चेंज हो रही है, उनकी लुक एंड फील चेंज हो रही है। तो आप ये देखो कि चेंजेस जो है वो तो आपके सारा दिन आपके इर्द गिर्द है। आप ये देखो कि छोड़ दो अभी जाहिल को और इन सारी चीजों को भी छोड़ दो, तो आपके किराने वाला जो स्टोर का बंदा है जब टाइम ईद आती है या कोई 14 अगस्त आ रहा है तो अपने सामने झंडे लटका लेता है, ठीक है। yes, जहां yes, पर उसकी कोई और चीजें पड़ी होती है वहां पर वो झंडियां और बैजेस का पट्टा लगा लेता है, दैट इज ऑल्सो चेंज। अगर आप ये सोचो कि उसकी दुकान में जितनी चीजें पड़ी हुई है उनको हम स्मार्ट बॉन्ड लगा के जोड़ दें, तो इज इट पॉसिबल, या हम ड्रिलिंग करेंगे उनको वहां पर जोड़ दें, तो इज इट पॉसिबल कि वो अपनी दुकान के स्ट्रक्चर को चेंज कर सके, ठीक है। या सर्दियां आती हैं तो छोटे दुकानदार जो है अपना रेफ्रिजरेटर बंद कर देते हैं। अब आप ये देखो कि अगर वो अपने ये ना करें तो जहां पर बर्फ पड़ रही है और चीजें वैसी जम रही हैं, हम के नहीं आप अपना फ्रिज चला के रखेंगे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। दैट इज वॉट क्या आपका उस दुकान का डिजाइन जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है बल्कि हार्ड कोटेड डिजाइन है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्या करेंगे, या बुलडोज कर दे उस दुकान को और नई दुकान बना ले, लेकिन अगर चीजों के नीचे व्हील्स लगे हुए हैं तो दे आर इजी टू रीअरेंज एंड अकोमोडेट न्यू स्टफ। आर वी क्लियर विद इट नाउ के डेटा चेंज में और फंक्शनैलिटी चेंज में क्या है? यस सर, यस सर। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड एक्चुअली। श्योर, आप क्वेश्चन करो। यू सेड जब मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट की एग्जांपल दी, यू सेड कि ये फंक्शनैलिटी में चेंज आ रहा है एंड इट्स नॉट एजाइल, हाउ डज इट? आपने सॉफ्टवेयर अपडेट किस सेंस में बात की थी? मे बी मैंने आपको प्रॉपर्ली सुना नहीं है। मतलब आई वाज सेइंग कि जब अपडेट्स आती हैं तो उसकी चीजें चेंज हो जाती है मोस्टली, कुछ चीज अपडेट हो जाती है। एग्जैक्टली सो दैट इज एजाइल, दैट इज वन ऑफ द वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंज। वी कैन से कि दैट इज एजाइल क्योंकि वहां पर चीजें चेंज हो रही हैं, न्यू फंक्शनैलिटी फीचर्स ऐड हो रहे हैं without disturbing existing setup. ठीक है, अभी हम इसको मजीद आगे देखते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं ये कैसे है। अब हमने भी बात की iterative development है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम एक चीज ले लेते हैं, फिर उसमें जब नई requirements आती है हम उस पर डाल सकते हैं। अब ये जो नई requirements है हम software releases में करते हैं, हो सकता है कि release से पहले कोई चीज आ जाए हम उसको incorporate कर लें। अब एक सिंपल है कि लिस्ट, अच्छा इसके बाद हम क्या है कि
हमने लिस्ट बना ली अपनी कि हमने क्या क्या करना है, इसको हम जरा लेटर ऑन में जरा डिग इन करते हैं जब हम नीचे जाएंगे. स्मॉल फीचर्स रेदर देन मेकिंग अ बिग फीचर, जिस तरह भी हमने बात की कि लॉग इन और प्रोफाइल यूजर को हम एक करने के बजाय पहले हम लॉग इन को क्रिएट कर ले, छोटी चीज आराम से बन जाएगी, टेस्ट हो जाएगी, उसमें गलतियां पहले पकड़ी जाएगी और अगर कोई चेंज आएगा तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, रेदर एक बड़ा चंक ऑफ सिस्टम बना लें जिसमें इंटरेक्शन टू मच हो. सस्टेनेबल पेस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमने पहले तो ये क्लियर कर लिया कि बाय ऑल मींस हमने चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है. सेकेंड चीज क्या आती है कि हमने अब डिलीवरी की बात करनी है. ओके, चेंज हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं लेकिन हमने कोई टाइम फ्रेम भी फॉलो करना है या हमारे जो यूजर की नीड है उस पर हम एक बात आपके साथ करते हैं, फिर हम मैं आपको सस्टेनेबल पेस के बारे में बताता हूँ. कभी आपने नोटिस किया है कि अगर कोका कोला एड बनाता है तो कुछ दिनों बाद पेप्सी की भी एड आ जाती है, आपने ये नोटिस किया? Yes, sir. इसके बाद आप देखें लेस के साथ जो चिप्स कंप्लीट करते हैं वो अगर अपने को प्रमोशन निकालते हैं तो अगले दिन ही आपको पता लगता है कि मार्केट में सेकंड प्रमोशन भी उसके राइवल की आ गई है. ठीक है, इसके बाद अगर आप बहुत आसान और बहुत रैपिडली जो एडवर्टाइज्ड होता है वो आपके होते हैं वॉशिंग पाउडर्स. एक वॉशिंग पाउडर कहता है मैंने अपनी कीमत बढ़ा दी है, दूसरा कहता है मैंने नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है. अब आप इसको इन कोर देखो तो कोई कोई उनके बिजनेस उसमें बैठा हुआ है ना जो ये सारा स्ट्रैटेजीज कर रहा है और उसके बाद कोई बंदा है जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है. अब इसमें आप आ जाओ सॉफ्टवेयर के अंदर हम आ जाते हैं. आप नोटिस करो आप में से कितने लोग जो है बल्कि लेट्स आप में से किसी ने वी चैट या कोई और प्रोडक्ट यूज किया? वी चैट है या और मैसेंजर्स के तरह की प्रोडक्ट्स हैं उस पे एंड्रॉइड पे और आईओएस पे? तो वी चैट यूज किया हुआ है लेकिन वी चैट यूज किया हुआ है चाइना में है. तो ठीक है, अच्छा अभी फेसबुक मैसेंजर भी एग्जिस्ट कर रहा है और फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है. तो अब यहाँ पर एक चीज क्या लगती है, पता लगता है कि सारी कंपनीज जो है ये पीरियोडिकली अपनी अपडेट्स जो है मार्केट के अंदर लेके आ रही होती है. और अगर एक जो है अब सैमसंग और उसको देख लो, अब वो एक सॉफ्टवेयर की भी मिसाल है और एक प्रोडक्ट की भी मिसाल है. आईफोन लॉन्च होता है तो सैमसंग भी कुछ अर्से बाद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है. इसका मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर है वो एक सस्टेन, आइदर इट्स अ सॉफ्टवेयर आइदर इट्स अ प्रोडक्ट व्हाटएवर यू कॉल्ड इट, वो एक सस्टेन्ड पेस के साथ जो है उसकी डिलीवरेंस चलती रहनी चाहिए. ठीक है, प्रेडिक्टेबल पेस हो, क्या ये काम हम हर दो माह बाद कर लेंगे, ये टास्क हम 10 घंटे में है तो अगली दफा भी हम 10 घंटे में ही करेंगे, अगली तीसरी अक्रंस में भी 10 घंटे में होगा, चौथी अक्रंस में भी 10 घंटे में होगा या 10 घंटे से कम होगा. दैट गिव्स योर मैनेजर टू एबिलिटी टू प्रोडिक्ट के पर्टिकुलरली इस ओवरऑल मॉड्यूल के ऊपर कितना टाइम लगेगा. और वो मैनेजर जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है जो आप फोर्सी कर रहे हो कि हमें ये फीचर नेक्स्ट 6 मंथ्स में चाहिए, हाँ प्रेजेंट रिसोर्सेज के साथ मैं ये चीज मीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो इन टर्म्स ऑफ एजाइल हम इसको टीम वेलोसिटी भी कहते हैं. लीन मैनेजमेंट का ये मतलब है कि स्टेट में है एक आपका मैनेजर है और नीचे सब लोग काम कर रहे हैं. आप इसके अंदर हायरार्की फ्लैटेंड हायरार्की ज्यादा होती है और होती है, वरना ट्रेडिशनली क्या होता है एक मैनेजर होता है फिर उसके ऊपर मैनेजर होता है फिर उस पर मैनेजर होता है, यहाँ पर उतनी ज्यादा इस तरह की आप एजाइल के अंदर नहीं चीजें रखते. ठीक है, अगर अभी आप अपने मिसाल देखो तो आपकी मैनेजर और स्क्रम मास्टर जो है वो इकरा है और उनके अलावा आपका कोई मैनेजर नहीं है. सो शी इज कोऑर्डिनेटिंग विद यू पीपल. क्रॉस फंक्शनल सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स, अच्छा क्रॉस फंक्शनल वैसे कहते किसको है? जिसमें सर एक डिजाइनर होगा, एक बैकएंड होगा, मतलब डिफरेंट चीजें होंगी. तो
जिसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ स्किल्स के साथ लोग काम करते हैं ऐसी टीम्स क्रॉस फंक्शनल Definitely. अच्छा, इसमें एक छोटा सा कैच है एजाइल में जब हम आते हैं हम ये कहते हैं कि हर बंदे का एक स्पेशलाइज्ड एरिया है लेकिन उसका ब्रॉडर नॉलेज जो है वो सब चीज़ों में होता है ये एजाइल टीम की एक निशानी होती है कैसे हमारे साथ अभी वसीम है वसीम इज़ आर सीनियर डिज़ाइनर जो कि सी एस एज अ फ्रंट एंड के काम करते हैं ऑल दो वी ऑल नो हाउ टू मेक सी एस एज एंड थिंग्स एंड स्टफ बट Vaseem is very, very specialized in his. And vice versa, Vaseem does not code for the backend, but Vaseem knows कि backend में भी काम कैसे हो रहे हैं. इसी तरह हमारे जो backend developers हैं, they also know कि requirements कैसे बनती हैं, या आती कैसे हैं, agile processes कैसे होते हैं. जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आपने agile project management नहीं करनी, लेकिन आपको ये पता होगा कि अब ये हो क्या रहा है. तो agile team में एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है और उसके बाद ये होता है कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता होता है इसलिए वो टीम आपस में कम्युनिकेट बेहतर करती है और एवेल्युएट कर लेती है कि कौन सा पोर्शन या कौन सा काम कौन सा शख्स बेहतर तौर पे करेगा जैसे अभी आप लोग आए हो तो आप लोगों में हर बंदे का एक एप्टीट्यूड होगा एक इंटरेस्ट होगा और एक स्किल लेवल होगा सो Your team will be more interested to give a particular task to a person जिसके ये तीनों portion ज़्यादा inclined होंगे उस particular task के लिए और इसी को summarize करें तो कहा जाता है self-organizing teams. अभी आप लोग काम करेंगे तो ये situation आपको बताएगी कि आप लोग सब bidding करेंगे एक task आएगा आपके पास दो या चार एक task आएगा आप लोग decide करेंगे अच्छा ये वाला पोर्शन ये करेगा ये वाला पोर्शन ये करेगा ये वाला पोर्शन ये कर लेगी और फिर आप लोग आपस में भी पूछ लिए होंगे कि अच्छा तुम वो वाला काम ऐसे कर रही हो चलो मैं अपनी जो चीज़ है वो ऐसे डिज़ाइन करता हूँ ताकि तुम्हारे काम के साथ वो इनकॉर्पोरेट हो जाए तो एक कोहेसिवनेस आप तभी रख सकते हैं जब आपको आइडिया हो एक दूसरे का बोथ इन टर्म्स ऑफ वर्क मैनेजमेंट एंड टेक्निकली कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है Although आपको या वो करना नहीं आता या आप इंटरेस्टेड नहीं है that's another story and that's the other part of the world. Trusting your team, exactly. Again, हम पीछे वाली चीज को एक लेके आते हैं जब आप आपस में काम करते हैं और एक शख्स आपको बताता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या वो बताती है कि मेरे एक्स वाई कंसर्न्स हैं इसके ऊपर तो यू ट्रस्ट योर मेंबर and solve your problem. Agile के अंदर हमने कहा individualism नहीं होता बल्कि team spirit होती है. Either team या तो कुछ achieve करती है या team fail करती है. और इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक member किसी part पे struggle कर रहा है तो आप उसको help out करते हैं जैसे आप यहाँ पर करेंगे. असरा मैं अभी आपको facilitate कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि आपने अब एजाइल एनवायरनमेंट पे काम कैसे करना है जब कोई आपके सामने ये बात करेगा कि आज हमारी स्टैंडअप है तो आपको पता हो कि स्टैंडअप होती क्या है प्रोडक्शन डिलीवरेबल्स प्रोडक्शन में हमने पीछे से बात करते आए सस्टेनेबल हमने चीजें करनी है चेंज को करना है इसका मतलब है पेस और चेंज एंड डिलीवरी क्या मतलब है कि आपने कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ जो है अपने क्लाइंट को देना है जो सारी पिछली बात चली कि छोटा फीचर हम इम्प्लीमेंट करेंगे शॉर्ट स्टोरी होगी चेंज वेलकम करेंगे तो उसका एक एस्पेक्ट ये है कि हम जब हम कहते हैं कॉन्टीन्यूसली हमने पहले ही बात किया कि डिलीवरी देते रहेंगे तो उस सारी चीज़ को आप कहते हैं कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन कि आप कॉन्टीन्यूसली चीज़ें कहते हैं जैसे भी हमारी एक फेलो ने बताया कि सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आती हैं तो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स क्यों आती है कि वो कॉन्टीन्यूसली आपको अपनी इंटीग्रेशन जो है उस पर चल रही है इसको कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट एंड कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन भी कहते हैं विच स्टैंड फॉर CDCI
एम्ब्रेसिंग चेंज, हमने बहुत सारी बातें की। अच्छा अभी तक हमने जितनी बात किया है उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। जी हेलो जी, चले यार एक एक करके मुझे बताएं आपने अभी तक क्या अंडरस्टैंड किया है। जी जनाब कहाँ गए हैं आप लोग इसमें? जी अलीना आप बताओ इससे क्या एक क्वेश्चन कोई नहीं है जी, आप जा रहे सारा नहीं वो मुझे पता है, मैं भी उसी क्लासरूम से आया हूँ। एक्सप्लेन करो कि क्या अभी आपने समझा है। आप ये बताओ कि अभी तक हमने ये जो सारी बात चीज की है इसका अभी आप हमें समराइज करके बताओ कि हमने अभी तक क्या गेन किया, क्या टेक अप है सारी चीज से हमारा। सर कि वो एजाइल माइंडसेट है बेसिकली, उसके लिए सबसे ज्यादा ये जो चीज इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपका बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और चेंज आपके किसी भी स्टेज डेवलपमेंट की स्टेज पर आए आप उसको वेलकम करने की और उसको एक्सेप्ट करने की और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब अपने पूरे प्रोसेस को रीवैल्यूएट और चेंज करने के काबिल हों, ये वाली चीज़। दूसरा कि आपस में टीम की कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ताकि जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो और मिस कम्युनिकेशन ना हो और एक दूसरे को आप हेल्प कर सकें ताकि जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली गुजर सके। ओके नेक्स्ट पर्सन इसमें हमने ये देखा है कि इसमें टीम वर्क के काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमने हर पर्सन जो भी टीम का होगा उसे सब कुछ एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, कौन से फेज़ पे क्या चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, एटलीस्ट हर चीज़ का आइडिया हो ताकि जब कोई भी वर्किंग के लिए जब डिस्कशन हो स्टैंड अप मीटिंग हो तो उसमें जो है वो डिस्कशन हो सके कि फला बंदा ये काम ऐसे कर रहा है तो इस चीज़ को जब ये अगली नेक्स्ट स्टेप पे आएगी तो इसको ये चीज़ ऐसे इंप्लीमेंट होनी चाहिए ताकि वो उसके साथ को रिलेट हो। अच्छा जी एम्ब्रेसिंग चेंज को हमने कर लिया है, अब हम इस पे आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम इसको करेंगे। मुख्तलिफ किस्म की एजाइल के अंदर जो है वो फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं, मोरली आप जो है वो जो इस्तेमाल करेंगे वो स्क्रम और लीन है। ठीक है हम यहाँ पर आज स्क्रम को डिस्कस करते हैं, लीन फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है स्क्रम में जैसे हमने बात की थी कि ऑब्वियसली कोई भी प्रोसेस को जब हम करते हैं तो उसके कुछ मेंबर्स होते हैं उसके करते हैं जो जितने भी डेवलपमेंट डिजाइन और ये सारे लोग होते हैं इसको कहते हैं स्क्रम टीम। ठीक है जो लोग एक्चुअली सॉफ्टवेयर या कोई भी काम को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, टेस्टर है, डेवलपर है, यूआई यूएक्स डिजाइनर है, दे ऑल आर कॉल्ड स्क्रम टीम। ठीक है इस स्क्रम टीम को जो शख्स कोऑर्डिनेट कर रहा होता है वो स्क्रम मास्टर है। अभी मुझे बताओ आपकी टीम का स्क्रम मास्टर कौन है? इकरा मैम है। इकरा डेफिनेटली इकरा आपकी उस पे है। प्रोडक्ट ओनर वो शख्स होता है जिसके पास सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो स्क्रम मास्टर को बताता है कि ये रिक्वायरमेंट्स आपने मीट करनी है। बिग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम ये रिक्वायरमेंट्स मीट कैसे करते हैं और एक्सटर्नली जितने लोग होते हैं उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स जो है बेसिकली ये वो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने कहा हम लीस्ट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू जिस तरह अभी हमने कहा कि रिक्वायरमेंट फंक्शनल वर्ड। पहले हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट का वीएन क्रिएट कर लेते हैं कि हम करने क्या चाह रहे हैं। वीएन में क्या होता है कि लेट्स सपोज करें कि आप कहते हैं कि शॉपिंग मॉल के लिए आपने पॉइंट ऑफ सेल्स बनाना है और नादरा के लिए आपने ह्यूमन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है, तो आपका वीएन क्लियर हो गया कि आप बनाने क्या चाह रहे हैं। फिर आपका बैकलॉग आ जाता है। बैकलॉग बेसिकली वो लेजर है या वो टेबल है जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो प्रोडक्ट ओनर के पास होता है जो स्क्रम मास्टर को बताता है कि आपने ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट करनी है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर।
ठीक है, अब वो बात करते हैं उसका टाइम क्या है। जी जी सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। जी श्योर। मुझे ये बता, ये प्रोडक्ट ऑनर जो है, इज दैट द पर्सन जो कि कस्टमर की नीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्चुअली? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली वही बंदा है जो कस्टमर की नीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और स्क्रम मास्टर सिर्फ टीम को लीड कर रहा है? टीम को लीड करता है। स्क्रम मास्टर का रोल बेसिकली ये होता है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, वो स्टैंड अप्स करता है, और वो इंटर जो टीम के मामला है उसको देख रहा होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो उसको बताया गया था कि ये चीज इस स्प्रिंट में करनी है, स्प्रिंट में भी एक्सप्लेन करता हूं, तो वो ये चीजें करता है। तो ये डिफरेंट रोल्स हैं स्क्रम के और प्रोडक्ट ओनर के। ओके, तो ये बैकलॉग जो आपने बताया है, ये प्रोडक्ट ओनर हमें बता रहा होता है? बिल्कुल, बैकलॉग का की जो ग्रूमिंग और बैकलॉग का जो कस्टोडियन होता है वो प्रोडक्ट ओनर होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ओनर को ये पता होता है कि बिजनेस को कौन सी रिक्वायरमेंट कब चाहिए। वही बंदा होता है जो इसको हम बैकलॉग ग्रूमिंग भी कहते हैं, कि आप हर स्प्रिंट के बाद ये देखते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट आपने क्या चीज इंप्लीमेंट करनी है। हो सकता है कि बिजनेस कहे कि अभी ये वाला फीचर नहीं, हमें ये वाला फीचर पहले इंप्लीमेंट कर दो। ओके राइट, ठीक है। इकरा 3 मिनट रह गए, इसको रीशेयर कर दो, उसके बाद हम बस 3 मिनट्स में इसको नेक्स्ट में रैप अप करते हैं। ठीक है, मैं इस मीटिंग को ना एंड अप कर रही हूं फिर। ओके बिल्कुल ठीक है। ओके।